मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? क्लास सेवेंथ चैप्टर 11 हिंदी रीडर रक्त चंदन आज हम पढ़ेंगे, जो हमारे PT2 में आने वाला है और काफी अच्छी स्टोरी है और आपको इंटरेस्ट लगेगा स्टूडेंट कि जो इस पाथ में इतिहास से रिलेटेड है, ये ना इतिहास में जो घटनाएं हुई थी जो उसी का यहाँ पे एक घटना है और उसका नाम है रक्त चंदन जो हम पढ़ने वाले हैं। इसे पात्र देखो, तैमूर आक्रमणकारी है, अली बेग मुबारक तैमूर के सिपाही हैं, जफर अली तैमूर का सरदार है, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है, बलकरण कल्याणी का पुत्र है और अन्य तीन पात्र जो ग्रामीण हैं। कल्याणी गुनगुनाती हुई, अब मत जाना दूर दूर, उठ रही है पश्चिम से धूर, उठ रही है पश्चिम से धूर, धूर मतलब धूल। तो देखो अभी यहाँ पर, देखो यहाँ पे घोड़े पे सवार होके तैमूर के सिपाही हैं। बलकरण चाकू तेज करते हुए, ये तुम क्या गुनगुना रही हो माँ, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है, तेरा जन्मदिन है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, पूजा? हाँ, तो माँ क्या वह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी? चाकू रोकते हुए कहता है। तो कल्याणी कहती है, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू बुरे 12 वर्ष का हो जाएगा बेटा। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तू दिन दूना रात चुगना बढ़े, मतलब कि तू तरक्की करे। बलकर, इसलिए तू गाना गा रही थी? फिर चाकू तेज करता है, माँ कैसा है वह गाना? मतलब ये देखो यहाँ पिक्चर सीन में वो चाकू तेज कर रहा है और वो माँ मुड्ढे पे बैठी है और उससे बात कर रही है। कल्याणी, डर का गाना था गाना है, अब तो वह जमाना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। बलकर, अच्छा? कल्याणी, कहते हैं वह गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत सी आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सा धन लेकर वह वहां से चला गया। बेटा, आज तो तेरी वर्षगांठ। बलकरण, तो सब कुछ भूल जाऊं? माँ बतलाओ, आज वर्षगांठ में क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूंगी प्यारे बेटे को? नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई है, देख उस कोने में रखी हुई है, मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आया, दूध भर आ जाए, खीर बनने से देर ही क्या लगती है, पानी उबल ही रहा है। बलकर, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज चढ़ आया तभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। बलकर, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकर, नहीं मैं तो ले आता हूँ। शीघ्रता से प्रस्थान कर रहा है ना कि जा रहा है। कल्याणी, बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है? संतोष से कहती है, मतलब संतोष बिल्कुल अपने आप को रिलीफ करते हुए, बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास जाकर आकर जो है आग ठीक करती है, सही मतलब जैसे चूल्हे में आग लगा रही थी खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। थोड़ी देर तक स्तब्धता मतलब बिल्कुल बिना कुछ बोले रहती है, फिर भयानक शोर भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की बाहर देखने लगती है। हिंदू ग्रामीण घबराए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए क्या? तुरक कहाँ से आ गया? दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान ग्रामीण, बहन चलो, भाग चलो, जल्दी जल्दी, वे तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहा है, वे लोग, हम लोग मेरे, चलो बहन चल। अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? मुसलमान ग्रामीण बोल, नेफत इस देखते हुए मतलब पर्दा हटा के दिख रहा है, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख पुकार और तीसरे ग्रामीण का फिर प्रवेश। ऐसे ग्रामीण जो गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ ना कुछ उनसे ये बात करते आ रहे हैं कि भाई तुम भागो यहाँ से, ऐसे जो है तैमूर आ गया हमें मारने के लिए। तीसरा हिंदू ग्रामीण, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकरण मेरा, बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती या नहीं जा पाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी घबराहट से, वह दूध से दूध लेने गया सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण बोला, सुजान के घर? अब तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुजान घर खास रास्ते से हटकर दूसरे कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। तीन सैनिक घर में घुस जाते हैं, उसके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं और आते हैं। जफर, कोई नहीं कंबखत, सब भाग गए। पहला, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर मुबारक, इस वक्त आदमी को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो कहां
मुबारक। देखते हो कहीं कुछ नहीं, सरदार मामलों से झोपड़ी, इसमें सोना चांदी कहाँ? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता हूँ सरदार, ये है। मुबारक कहता है। अली बेग के पास जाकर सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छुकर बहुत ताजा, बिल्कुल नरम गरम। और जफर हाथ में छुकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं तो तुम लोग भी भूखे होंगे, खा लो। तो मुबारक कहता है, सरदार नोश फरमा, मतलब आप भी खाएंगे? तो जफर, मैं तो जरूर खाऊंगा, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, वह प्रश्न कर लेता है, अच्छी मिठाई है, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से, मतलब कि पर्दे से वो देख रही है, और तीव्र आवाज, चुप रहो कंबगतो। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, उसे देखते सब चौंक पड़ते हैं, मिठाई जमीन पर फेंक कर फौजी रंग से तनकर खड़े हो जाते हैं, सन्नाटा सा छाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर सैनिक ढंग से, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, माफ कर दीजिए हुजूर। तैमूर, हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ नहीं करना जानते। सरदार तुमने जो गलती की है उस सजा तुम्हें मिलेगी, जाओ शाम तक अमरकोट पोस्ट का मेरा हुक्म पूरा हो, तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्र से प्रस्थान और बलकरण का दूध ले हुए प्रवेश। अब बलकरण तो दूध लेके आ रहा है वहां से, तो बलकरण पुकार, मामा ये दूध ले आया। तैमूर चौक, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, ये सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकारता, मामा कुछ उतार न उत्तर न पाकर मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है, इस तरह मेरे घर में घुसकर आने वाले तुम कौन हो? तैमूर कहता है, जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से ये नाची सवाल करता है कि तुम कौन हो कंबकत? अगर तुम बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो, लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, ये दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए सामने दूध हाजिर कर। बलकरण छीन कर जोर से अट्टहास करता है, मतलब हंसता है, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकिचाते हुए कहते हैं, क्या क्या मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल मतलब कर। मेरे तो बलकर, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर, वाह तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है, अच्छा पहले मैं दूध पीऊंगा। गला सूख रहा था, तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है, मतलब पी लेता है दूध। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर, सहसा मेरी तलवार। बलकर, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दूसरा कर, सामने आओ, शाबाश, मेरी लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तो तैमूर, तो अब मुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदलता हुआ तलवार छीनता है, ये मेरी तलवार है। बलकरण, छीन ली लेकिन ये बहादुर नहीं, मेरे पास चाकू है, उसे ले, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके हंसता है। बलकरण, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो ये कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकल सकता है। अब उंगली में चुभकर देखता है कि हाँ खून की बूंदें जो है दिखाई देती है। तैमूर, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनकर मैं तेरी जो है जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद भी पूरी करता हूँ। तो बल्कि मुझे नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर एक हक है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा, उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करोगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गाँव के बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं तो दूसरे गाँव में जाऊँगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चों को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है और शीघ्रता से प्रस्थान करता है। बलकरण जो है कहाँ है, बलकरण उसके जाने की दिशा को देखता है। तैमूर बहादुर को सलाम करता है। अब कलन, बेटा बेटा, बलकरण खिसकते खिसकते हुए लगती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याण, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे उनसे बचाने के लिए, ठाकुर दादा मुझे तल घर में ले खींच कर ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं जो है गौर से बलकरण के शरीर को देखती है और चीख कर, हो आ ये खून कहाँ से है?
उसने नहीं तो बलकर उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबरा कर, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकर, कोई चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था मेरा चाकू मेरे तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकर, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर खुकार है लेकिन बहादुर को सलाम करता है। बहादुर बच्चों को तैमूर का सलाम, इस तरह उसने मीठी मीठी बातें की। फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो, भगवान का हजार हजार धन्यवाद कि मैं उसने मेरे बच्चे को तैमूर की जो उसने मेरे बच्चे जो है तैमूर की जो है रक्षा की है। तो कल्याणी, तेरी उम्र, हाँ यहाँ तो हो गया। बलकर, ये सब मेरे तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा आज तेरी वर्षगांठ है ना, चारों तरफ देख कहती है। तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाई बनाई थी, सब नष्ट हो गई, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकर, अपना आशीर्वाद भर दे माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकर, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, तेरी मेरी उंगली से खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याण, धन ने मेरे लाल हृदय से लगाती है और घर घर में ऐसे ही लाल हो ऐसा फिर पर्दा गिरता है। एक तरह का रंगमंच की है ये, जो रंगमंच के द्वारा ये इस तरह का नाटक जो है प्रस्तुत किया था, इसलिए पर्दा गिरता है। और पर्दा मतलब बताएगी, रियल स्टोरी है, ऐतिहासिक स्टोरी है। और इसके जो राइटर है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। जो मूल शीर्षक है वो तैमूर की हार हुई थी यहाँ पर, और उसी का यहाँ पे इतिहास के बारे में उन आतताई उन्होंने इसे जो खुखार जो शासक थे वहां के, उनने उन वीरताओं का सम्मान किया, उस बात का यहाँ पे जो है जिक्र किया गया है। और ये एकांकी है, एकांकी रचना है। वीरता की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो बच्चा छोटा है। उस बलकर ने जो है आज वहां उस गांव की और भी रक्षा की। उसने यही बोला कि तुम इस गांव से चले जाओ तैमूर से, तभी वो नहीं तो वो किसी ना किसी का खून बहाकर उस गांव को और बड़बड़ा कहता था। तो इस तरह हमने रक्तचंद्र कहानी के माध्यम से हमने आज ऐतिहासिक घटना को जाना है, और किस तरह हमारे संस्कार हैं और माँ के द्वारा संस्कार जो बच्चों में संतान को निडर और निर्भीक बन देश के गौरव की रक्षा करना सिखाते हैं। और बहुत ही सुंदर ये एकांकी। ओके बाय बच्चों।